दोस्तों, क्या डाइट प्लान से फैट लॉस पॉसिबल है? क्या हम अपने फैट को लूज करते हुए अपनी मसल्स को मेंटेन कर सकते हैं? और क्या ऐसे कोई सुपर फूड्स हैं जिनसे हम बहुत ही जल्दी अपने फैट लॉस के, अपने वेट लॉस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, और यहां पे हम सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो वेलकम टू आईअल्फा टीवी। जो लोग आईअल्फा टीवी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, उनके साथ मैंने स्टार्टिंग में कुछ डाइट प्लान शेयर करे थे, जो कि बेसिकली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थे। आपका मसल मेंटेन करते हुए आप अपना फैट लॉस करेंगे, या आप अपनी मस्कुलैरिटी और वस्कुलैरिटी को थोड़ा ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन लोगों के एग्जाम्पल्स जिन्होंने इसको फॉलो कर रहे हैं पिछले एक या दो या तीन महीने से, और उनको इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको हम पूरे ग्रुप के साथ, अपनी पूरी आईअल्फा कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं। और डेफिनेटली जिन लोगों ने इस प्लान को फॉलो किया, उन लोगों ने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इसको अपनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट उनका अपनी हैबिट है, वो उसको हैबिट में लेके आया, और इसी की वजह से उनको ये चेंज दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन लोगों के साथ बात करना चाहें और ये लोग अलाउ करें, तो आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में, इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर, आप उनको कमेंट के थ्रू और उनको किसी और जरिए के थ्रू उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं प्रीति। प्रीति ने खुद कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, खुद बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं, और अपने कई स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन कराई भी हैं। तो आज वो आपको कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के, कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में बताएंगी। और अब तक हमेशा प्रीति कैमरे के पीछे रहती थी, तो आज ये कैमरे के आगे आने वाली है और मैं कैमरे के पीछे जा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं जो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि प्रीति, हमने प्रॉपर डाइट फॉलो किया, हमने प्रॉपर एक्सरसाइज की, हमें रिजल्ट्स भी मिले, हमें वेट लूज भी किया, लेकिन दो महीने बाद, तीन महीने बाद या छः महीने बाद मेरा वेट वापस आ गया, मेरा वेट पुट ऑन हो गया। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, आज मैं आपको बताऊंगी। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब भी आप वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो बॉडी वेट कंप्राइज ऑफ फोर थिंग्स, फैट, बोन, मसल एंड वाटर। तो अगर इन चारों चीजों में से कोई भी एक चीज रिड्यूस होगी तो आपका वेट लाइटर होगा वेइंग स्केल पे। अगर हम बात करते हैं पानी की, अगर आज मेरा वेट 57 केजी है और मेरा डाइटिशियन मुझे बोलता है कि यू शुड हैव सॉल्ट फ्री डिनर, सॉल्ट फ्री डिनर में अगर मैं दो दिन सॉल्ट फ्री डिनर ले रही हूँ, दो दिन बाद जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ी होंगी तो क्या होगा, एक या डेढ़ किलो कम होगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन नहीं है बॉडी में, इट हैज बीन फ्लश्ड आउट। तो अगर हम बात करें बोन्स और मसल्स की, लीन बॉडी वेट हम कभी भी कम नहीं करना चाहेंगे। तो बचा क्या, फैट। तो वेट अगर आपने लॉस करना है तो फैट को आपने रिड्यूस करना है, ये अब हम समझ चुके हैं, राइट। तो अब बात करते हैं फैट के बारे में। फैट जो है आप वेइंग स्केल पे नहीं नाप सकते, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप फैट लूज कर रहे हैं, वो पता चलेगा, द राइट इंडिकेटर इज इंच लॉस। इंचेस में लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप फैट रिड्यूस कर रहे हैं। तो एक रीजन मैंने आपको बताया, वाटर रिटेंशन। अब दूसरा रीजन है क्यों हम वेट पुट ऑन कर लेते हैं वापस, कि कई डाइटिशियन हमें बहुत स्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे डाल सकते हैं। तो जब वो रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट डाइट आप फॉलो करते हैं, तो आप जब वापस नॉर्मल रूटीन में आते हैं अपने, और वो डाइट को आप क्लोज करते हैं, तो क्या होता है, आप यू स्टार्ट ईटिंग मोर बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेच कर सकें, इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टिव और स्ट्रिक्ट, और या फिर आप स्टार्व ना करें, क्योंकि अगर आप स्टार्विंग करोगे तो आपका मसल और बोन वेट, दैट इज लीन बॉडी वेट विच इज गुड वेट, वो आप लूज कर देंगे। ऐसी डाइट फॉलो कीजिए जिसमें आपको ज्यादा प्रिपरेशन ना करने पड़े, जिसमें आपको ज्यादा कुक ना करना पड़े, और जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेच हो सके। देखिए, सबसे मेन है आपकी डाइट।
अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वो चेंजेस चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जो चेंजेस आप चाहते हैं अपनी बॉडी में, आप वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाएंगे। सो डाइट इज नंबर वन। डाइट आपका 50% रोल प्ले करता है, फिर आपका 25% वर्कआउट एंड 25% रेस्ट। रेस्ट बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, एटलीस्ट 8 आवर्स आपको रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को, अदरवाइज बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बॉडी रेस्ट की जरूरत है, आपको वर्कआउट की जरूरत है और एक कंप्लीट बैलेंस डाइट की जरूरत है। डाइट में क्या है, लोग कहते हैं कि मैं लो कार्ब डाइट में चला जाऊंगा, मैं हाई प्रोटीन डाइट में चला जाऊंगा, या मैं भूखा रहूंगा, या मैं स्टार्व करूंगा, या मैं कम डाइट लूंगा या कम खाऊंगा। डोंट फॉलो दिस। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ओल्ड स्कूल फॉर्मूला जो कि है कैलोरीज काउंट। अब आपको कैसे कैलोरीज काउंट करने हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, तो कैलोरीज काउंट के लिए आप गूगल में जाइए, वहां पर BMR टाइप कीजिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें आपको अपना एज, हाइट एंड वेट एंटर करना है, तो वो आपको बताएगा कि पर डे आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है जो कि आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कंज्यूम करनी पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका पर डे मेंटेनेंस कैलोरी आया 2000, तो 2000 कैलोरीज वो कंज्यूम कर रहा है और 2000 कैलोरीज वो खर्च कर रहा है, पर डे वो खर्च भी कर रहा है, तो क्या वो वेट लॉस कर पाएगा या वेट गेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2000 कैलोरीज वो कंज्यूम करता है और 2000 कैलोरीज वो खर्च करता है। तो अगर उसको वेट लॉस करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक, पहला वर्कआउट। फॉर एग्जांपल वो वॉक करने लगा 7 किलोमीटर और उससे 500 कैलोरीज उसकी बर्न हुई और बैलेंस डाइट से 500 कैलोरीज और रिड्यूस हुई, तो पर डे उसने 1000 कैलोरीज बर्न करी, तो 7 दिन में 7000 कैलोरीज हुई, तो उसका हुआ 2 पाउंड उसने रिड्यूस किया। तो अब बात करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट मैंने बोला बैलेंस होनी चाहिए, आप पूरी की पूरी डाइट फैट से नहीं ले सकते, आप पूरी की पूरी डाइट आपको कार्ब से नहीं मिल सकती, आपको पूरी की पूरी डाइट आप प्रोटीन से नहीं ले सकते। इट शुड बी बैलेंस। बैलेंस से मेरा मतलब है 20% आप फैट से लीजिए, 30% आप प्रोटीन से लीजिए और 50% आप लीजिए कार्ब से। कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने 50% बोला, क्योंकि आपको पूरा डे आप एनर्जी लूज करते हैं, आपका माइंड को आपके ग्लूकोज चाहिए होता है वर्क करने के लिए, तो इसीलिए हमारे को कार्ब्स खाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये था बैलेंस डाइट के बारे में। तो अगर आपको वजन घटाना है तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप उसका उल्टा कर दीजिए। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि कोई जल्दी तरीका नहीं है, कोई पिल हो या कोई ड्रग हो या फिर ऐसी कोई डाइट हो जिससे क्विकली रिजल्ट्स मिले, तो दोस्तों लेट मी क्लैरिफाई दिस, ऐसी कोई पिल नहीं है, ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ दे सके। तो ये आपकी चॉइस है कि आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं या क्विक ग्रोथ चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अब बात करेंगे कि कैसे फैट लूज करना है और कैसे मसल रिटेन करना है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप कैसे करेंगे कि आपको 5 से 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है और हर मील में आपके प्रोटीन, फैट, कार्ब्स तीनों चीजें होनी चाहिए, बैलेंस, इट शुड बी बैलेंस। और आपको इंटरवल कितना रखना है, 2 से 2.5 घंटा आपको हर मील में गैप रखना है। तो क्या होगा, आपका बॉडी जो है एक ऐसा फिनोमिना में चला जाता है कि वो कैलोरीज कंज्यूम करता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं हम DIT, डाइट इंड्यूस्ड थर्मोजेनेसिस। और सेकंड चीज क्या होती है, आपके ब्लड शुगर वेल मेंटेन रहते हैं, ब्लड शुगर में फ्लक्चुएशंस नहीं आती, जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग नहीं होती है, फैट क्रेविंग नहीं होती है या रॉन्ग फूड की क्रेविंग नहीं होती है, तो इस तरीके से आपका फैट जो है वो कंट्रोल रहता है। तीसरा रीजन है कि आपकी बॉडी को पता होता है कि हर 2-2.5 घंटे में आपको एक मील मिलेगी, तो वो फैट को स्टोर करना बंद कर देती है, इंस्टेड वो फैट को इफेक्टिवली बर्न करती है। तो इस तरीके से हम फैट को कंट्रोल करते हैं, फैट को लूज करने में सक्षम होते हैं।
आपको मैंने ये तीन चीजें बताई जो फैट को कंट्रोल कर रही है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर स्टार्विंग, अगर आप 5 से 6 मील्स नहीं ले रहे हैं हर 2 से 2.5 घंटे में, आप सुबह खाते हैं फिर रात को खाते हैं बीच में स्किप कर दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाएगी, आपकी बॉडी एनर्जी लेगी आपकी मसल्स से, तो आपकी मसल्स पे अटैक होगा, तो आपकी मसल्स रिटेन नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 5 से 6 मील्स लीजिए हर 2-2.5 घंटे के इंटरवल में, ताकि आप फैट को लूज कर सके, मसल्स को रिटेन कर सके। स्नैक्स की बात करें वो भी प्री वर्कआउट स्नैक्स आप ले सकते हैं, होल व्हीट टोस्ट विद पीनट बटर, आप ले सकते हैं बनाना, बनाना में अगर डार्क पैचेस हैं तो वो आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो न्यूट्रिशियस भी होता है। आप ले सकते हैं स्वीट पोटैटो, आप ले सकते हैं लीन मीट विद बॉइल्ड पोटैटो, ले सकते हैं ओट मील, या फिर आप ले सकते हैं अ बाउल ऑफ मूसली विद लो फैट योगर्ट और दही। ये हमारा था प्री वर्कआउट स्नैक्स। तो सब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट स्नैक्स के बारे में। तो आप खा सकते हैं 4 से 5 एग वाइट्स, और आप पी सकते हैं 1 स्कूप प्रोटीन। आप ले सकते हैं ब्राउन राइस विद सम काइंड ऑफ प्रोटीन लाइक चिकन और फिश, और उसके साथ कुछ सैलेड, और आप ले सकते हैं मटर पनीर विद 1 चपाती एंड ऑफ कोर्स सैलेड। आप एग पराठा ले सकते हैं कर्ड के साथ, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चिक पीज और राजमा का सैलेड ले सकते हैं विद 1 चपाती। तो ये हुई बात पोस्ट वर्कआउट स्नैक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सुपर फूड्स। सुपर फूड्स में सबसे पहला जो मेरी लिस्ट में है वो है घी। घी क्यों? घी में ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि लोग बहुत कतराते हैं घी से, उनको लगता है कि फैट बढ़ जाएगा, हमें घी इतना कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों घी में काफी सारे ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि आपके फैट सेल्स को श्रिंक करके ओरिजिनल साइज में ले आते हैं, और जो उसमें स्टोर एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, और वो इफेक्टिवली आपके फैट को बर्न करता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को कंट्रोल करता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि प्रीति आई एम ओके फ्रॉम एवरीवेयर, लेकिन मेरे बाजू, मेरी थाइज, मेरा स्टमक में बड़ा स्टबन फैट है। तो वो अगर आपको रिड्यूस करना है तो वो रिड्यूस होगा घी से। दूसरा आइटम है ग्रीन टी। लोगों का मिथ है कि ग्रीन टी इज बेटर देन रेगुलर टी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और रेगुलर टी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ग्रीन टी के एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, रेगुलर टी के एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो काफ़ी फुलिश होगा। तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप रेगुलर टी भी ले सकते हैं विदाउट मिल्क। तो आपको कैसे लेना है, आप पोस्ट लंच लीजिए, पोस्ट डिनर लीजिए। सुपर फूड का नेक्स्ट आइटम है एवोकाडो। एवोकाडो कंटेन्स नियरली 20 विटामिन्स एंड मिनरल्स, एंड इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ई, के, B6, नाइसिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बहुत सारे। तो आप एवोकाडो आप सैंडविच में स्प्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेयोनेज, इंस्टेड ऑफ बटर। नेक्स्ट आपका है बेल जूस। तो बेल जूस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बेल फ्रूट इज गुड फॉर डाइजेशन। तो आपका अगर इंटेस्टाइन में वॉर्म्स है तो वो आपको डिस्ट्रॉय करता है बेल फ्रूट, एंड इज अ गुड रेमेडी फॉर योर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। अब बात करते हैं लास्ट टिप के बारे में। तो लास्ट टिप में आपको मैं यही बोलूंगी कि च्यू करें खाने को अच्छी तरह और ईट स्लोली। उससे क्या होगा, दैट वे यू विल फील सेटिस्फाइड बिफोर यू हैव ईटन टू मच। दूसरा ये कि अगर आप यू शुड लर्न टू लीव यू नो फूड ऑन योर प्लेट, दिस हेल्प्स यू टू टेक कंट्रोल ऑफ कंपल्सिव ईटिंग। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद आई अल्फा फॉर मोर टिप्स ऑन दिस डाइट एंड एक्सरसाइज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो आपको आई होप ये अच्छी लगी होगी, आपने कुछ इससे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम एक फुल डाइट प्लान इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्लान कर सकते हैं आपकी स्पेसिफिक बॉडी टाइप को लेके। अगर आप एक्टोमॉर्फ हैं, मीजोमॉर्फ हैं, एंडोमॉर्फ हैं, आपको बहुत मुश्किल से वेट चढ़ता है या बहुत मुश्किल होती है वेट लॉस करने में, तो उसकी डाइट का डिटेल प्लान हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ और अपने ट्रेनर्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।